चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू बुंदेला बुंदेलखंड के राजा सुजान सिंह बुंदेला का बेटा है। इनके पिता सुजान सिंह बुंदेला कांग्रेस के 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का झांसी है। गुड्डू बुंदेला के 2 भाई भगत राजा और पूरन सिंह बुंदेला भी मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू बुंदेला उत्तर प्रदेश के ललितपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश से लगी बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बुंदेला परिवार का प्रभाव देखने को मिलता है। अब चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू बुंदेला के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को बुंदेलखंड में फायदा मिलने की संभावना बन गई है। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू बुंदेला का कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कई और नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिनमें अधिकतर बीजेपी से आए हुए नेता शामिल थे। अड़तालीस साल के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोग में दाखिल किए शपथ पत्र में बताया था कि उनकी शिक्षा 12वीं तक हुई है और उनका पेशा कृषि है। साथ ही उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 13 करोड़ बताई थी, जिसमें 6.3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 6.7 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल थी। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा की पूरे बुंदेलखंड में साफ सुथरी छवि है, जिसका फायदा कांग्रेस को बुंदेलखंड की अधिकतर सीटों पर मिलने की संभावना है। कमलनाथ ने चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा की इसी छवि को देखते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल किया है। साथ ही उन्हें बुंदेलखंड की किसी सीट पर चुनाव में उतारने का भी मन बना लिया है। विधानसभा चुनाव 2023 में कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।